नमस्कार दोस्तों, रॉक वार जी वाले आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पे रियलमी 6 के अगस्त के महीने के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों रियलमी 6 के लिए अगस्त के महीने का जो अपडेट है ना, वो फाइनली रोल आउट होना चालू हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जहाँ पे RMX 2001 जो कि यहाँ पे रियलमी 6 का मॉडल नंबर और साथ में B.45 करके एक अपडेट जो है ना, वो भैया रोल आउट हो रहा है। मैं आपको बता दूँ, ऑफिशियल पोस्ट भी आ चुका है रियलमी कम्युनिटी के ऊपर, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। तो भैया फीचर तो नहीं है, हमेशा की तरह आपको मिलेगा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि यहां पे होने वाला है 5th अगस्त 2020 की। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो रियलमी लैब के अंदर एडेड द सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई फीचर और साथ में एडेड द स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर। इसका मतलब क्या, रियलमी लैब के अंदर जो स्मूथ स्क्रॉलिंग वाला फीचर है उसको ऐड कर दिया गया है और साथ में सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई करके एक फीचर को ऐड कर दिया गया है। अब स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर के जरिए क्या होता है ये तो भैया मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आप स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर को ऑन करोगे तो उसके बाद में जो स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है ना, मतलब जो स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी भी चीज़ को स्क्रॉल करोगे तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ पे बेहतर होने वाला है। बस सिंपल सा फंडा है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर को ऑन करने के बाद में भैया 90 हर्ट्ज से सीधा डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो रिफ्रेश रेट है वो हार्डवेयर बेस्ड है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, तो स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर के जरिए जो स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भैया इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई वाला फीचर है इसको भी ऐड कर दिया गया है और इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग वीडियो बनाकर रखा है। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई के रिगार्डिंग, मतलब सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई फीचर के रिगार्डिंग, तो उस वीडियो को जाकर आप देखो, वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो फाइनली बैटरी के अंदर एडेड चार्जिंग डेसिमल पॉइंट फीचर। मतलब यार बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे इस फीचर का, जो कि यहां पे फाइनली आ चुका है। मैंने अपने एक्सपेक्टेड फीचर्स, मतलब जो एक्सपेक्टेड चेंज लॉग वाला जो मैंने वीडियो बनाया था ना कुछ दिन पहले, वहां पे मैंने बताया था कि जो डेसिमल पॉइंट वाला चार्जिंग एनिमेशन है वो आ सकता है। देखो यार मैं हवा में बात बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिमाग जरूर से लगाता हूं। तो फाइनली दोस्तों जो डेसिमल चार्जिंग वाला एनिमेशन है, जो डेसिमल पॉइंट चार्जिंग वाला एनिमेशन है, वो रियलमी 6 के अंदर आ चुका है। यहां पर दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो भैया सिस्टम के अंदर एडेड इंडिपेंडेंट स्विच टॉगल्स ऑफ फोकस मोड। अभी यार अगर आप जाओगे अपने नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, मतलब B.45 अपडेट करने के बाद में अगर आप जाओगे अपने नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, तो वहां पे आपको फोकस मोड के लिए एक डेडिकेटेड टॉगल मिल जाएगा। साथ में दोस्तों एडेड लॉन्ग प्रेस टू अनइंस्टॉल एप्स डायरेक्टली इन द ऐप ड्रॉयर। इसका मतलब यार मैं आपको बता देता हूं, देखो मान लो कि आप यूज कर रहे हो ऐप ड्रॉयर मोड को, तो उसके बाद में भी आप किसी भी ऐप्स को डायरेक्टली होम स्क्रीन से अनइंस्टॉल कर पाओगे। इससे पहले ये नहीं होता था, लेकिन अभी इस अपडेट को करने के बाद में, मतलब B.45 वाले अपडेट को करने के बाद में, अगर आप ऐप ड्रॉयर मोड को यूज करोगे और उसके बाद में अगर आपको होम स्क्रीन में से किसी भी ऐप्स को डायरेक्टली अनइंस्टॉल करना है, तो सिंपल सा आप उस ऐप के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखो, उसके बाद में आपको अनइंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। तो ये जो फीचर है ना, ये भी आ चुका है रियलमी 6 के अंदर। यहां मैं दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो सेटिंग के अंदर एडेड डिफॉल्ट साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑप्शन। इसके रिगार्डिंग यार मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जब अपडेट आएगा तो इसके बारे में आपको जरूर से बताऊंगा। और फाइनली दोस्तों नीचे देखोगे तो स्टेटस बार के अंदर एडेड OTG स्विच टॉगल टू नोटिफिकेशन पैनल। मतलब यार जो OTG स्विच टॉगल, मतलब एक OTG स्विच टॉगल ऑप्शन आने वाला था ना, जिसके रिगार्डिंग में चाइनीज चेंज लॉग में वाली वीडियो के अंदर बताया था, मतलब कि एक OTG स्विच वाला टॉगल आने वाला है, तो वो OTG स्विच वाला जो टॉगल है ना, वो रियलमी 6 के अंदर फाइनली आ चुका है। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं लास्ट चेंजेस की, तो ऑप्टिमाइज्ड म्यूट बेल वाइब्रेट आइकन स्टेट। इसका मतलब यार सिंपल सा है, अगर आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में से अपने फोन को साइलेंट कर दोगे तो जो साइलेंट वाला टॉगल है ना, वो ब्लैंक हो जाएगा, और अगर आप भैया रिंगिंग मोड को एक्टिव करते हो या फिर अगर आप वाइब्रेशन मोड को एक्टिव करते हो, तो उसके बाद में वो जो टॉगल है ना, वो ब्लू हो जाएगा। इससे पहले इसका उल्टा होता था, लेकिन अभी यार साइलेंट के लिए ब्लैंक और रिंगिंग वाइब्रेशन के लिए ब्लू कलर का जो टॉगल है ना, वो भैया आपको नजर आएगा नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। तो ये जो अपडेट है, ये फिलहाल रोल आउट हो रहा है रियलमी 6 के अंदर अगस्त के महीने के अपडेट के नाम से, जहां पे वर्जन है B.41। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बन रहे हमेशा स्मार्ट रहिए।